सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग स्नोफॉल की वजह से। तो आज काफ़ी, कल रात और कल दिन में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई थी। ये देख सकते हो आप, सब जगह सफ़ेद सफ़ेद चादर बनी हुई है। ये देखो यहाँ का स्नोफॉल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्नोमैन। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 7, तो थोड़ा टाइम और रहने दो, 8 बजे या 9 बजे हम ये स्नोमैन बनाएंगे। तो गैस, अभी भी जो है कल रात से अभी भी बर्फ पड़ ही रही है, क्योंकि अभी थोड़े छोटे वो पड़ रहे हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे होगा। अभी भी बर्फ पड़ रही है, नीचे देख सकते हो आप, 3 इंच लगभग, 3 या 4 इंच की बर्फ पड़ी हुई थी। तो कल रात बारिश भी हुई है, फिर भी थोड़ी सी पिघली है, ज़्यादा नहीं पिघली है। बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रही सवेरे, रात कल तकरीबन आधा फुट के करीब गिरी थी और दोबारा पुनः सुबह अभी फिर पड़ने लग गई है। इसे छत्रा कहते हैं, छत्रा जैसा पड़ रहा है, दानेदार चीनी जैसा। उसके बाद पड़ते हैं रोई जैसे बड़े बड़े हो, और बहुत ज्यादा ठंड है। अब हम अलाव जलाने जा रहे हैं। लोकेश और मैं, आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब कर देना। फ्रेंड्स, अभी भी बर्फ पड़ी रही है, पूरी घाटियां जो पूरे पहाड़ों में बर्फ पड़ी हुई है। सामने पहाड़ों में भी देख सकते हो, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं सब बर्फ से, पेड़ों में पूरी तरह से बर्फ गिरी हुई है। इसमें भी ये गिरी है, ये देखो चीनी के जैसे दाने, हाथ में देख लो चीनी के जैसे दाने, ये गाइस, ये देखो ये अच्छा लगता है कि आज पूरे दिन जो है बर्फ का वो रहेगा। तो आप वहाँ टैंकी ऊपर देख सकते हो, कितने देख सकते हो, और मस्त तरह से बर्फ पड़ी है। और हम आप अलाव के पास जा रहे हैं। इत्रो ये चीनी बहुत गिर रही है, तकरीबन 6 बज रखा होगा, 7 बज रहा है सर। देख हमारे रसोई में जो आग जलाने वाला, वहाँ ऐसे चीनी की तरह गिरा हुआ है। देखो ये देखो ऐसे अंदर तक आ जा रहा है, और यहाँ अलाव जला दी गई है, पानी गर्म हो रहा है, लाइट है नहीं प्रिय दोस्तों। और आज हम बहुत सारी फोटो खींचेंगे, जंगल जाएंगे, जंगल में पेड़ों में चीड़ के पेड़ और देवदार के पेड़ बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और वहाँ कहाँ जंगल में क्या जंगल सफारी, वहाँ पे बहुत ज्यादा जानवर देखने को भी मिल जाते हैं, जैसे कि खरगोश, और इवन यहाँ तक कि शेर भी है यहाँ। तो इस बार फरवरी में बर्फ पड़ी है, फरवरी में बर्फ पड़ी है आज। पिछली बार तक जनवरी में पड़ती थी, दिसंबर में पड़ जाती है दोस्तों, इस प्रकार है, गिरती रहती है हर साल। लेकिन सीन काफी बढ़िया है यहाँ का, बहुत ही सुहावना, बहुत ही रोमांटिक। तो अब हम चलते हैं, आई को चला भी नहीं जा रहा है, काफी ज्यादा नीचे पैर धस रहा है इसमें। वहाँ मम्मी रास्ता बना रही हैं आने जाने के लिए। मैं देख सकते हो उधर से मम्मी ने रास्ता बना दिया है, बर्फ साफ कर रही हूँ थोड़े से। ये देखो मम्मी ने रास्ता बना दिया है, और खेत का हाल आप देख सकते हो। अभी भी बादल लगे हुए हैं, ऐसा लगता है आज भी बारिश ही होगी और बर्फ भी पड़ेगी साथ साथ। काफी ज्यादा मस्त लग रहा है दोस्तों बर्फ की चादर से। इसको अब हम एक बार पकड़ के देखते हैं। ये देख सकते हो ये है बर्फ, काफी गद्देदार हो रही है, इसमें ठंडा बिल्कुल नहीं है।
और सामने पहाड़ों का व्यू भी काफी बढ़िया आ रहा है, ठंडा भी काफी हो रहा है। अभी कल से शायद धूप आएगी, ऐसा वेदर में दिखा रहे हैं।